सो हमने यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख लिया है कि जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स होगा. और बेस्ड ऑन साइड्स हमारे पास थ्री ट्राइंगल होंगे, दैट इज स्केलन, आइसोसेलस एंड इक्विलेटर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स देयर आर ऑल्सो थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट अस चेक वंस इन ब्रीफ वी विल सी वट आर दीज ट्राइंगल्स. ऑलराइट, सो लेट अस चेक. नाउ हेयर यू कैन सी एन इमेज, यहाँ पर आप अपनी एक इमेज देख सकते हैं. और यहाँ पर ट्राइंगल्स को समझाने के लिए कोशिश की गई है. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स. साइड्स के बेसिस पे जो हमारे ट्राइंगल हैं उनको हम देख लेते हैं. नंबर वन है स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स आर डिफरेंट. आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा भी हुआ है कि जो स्केलन ट्राइंगल होता है बेटा, वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. इफ़ दिस इज टू सो दिस, इफ दिस इज थ्री एंड इफ दिस इज फाइव. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं. तो इस टाइप का ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, स्केलन ट्राइंगल. ऑलराइट, नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट ट्राइंगल, दैट इज आइसोसेलस ट्राइंगल. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोसेलस. आइसोसेलस क्या है, आप नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल. लेट अस सपोज इफ़ दिस इज फाइव, दिस इज ऑल्सो फाइव एंड दिस इज फोर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में आपकी दो साइड्स इक्वल हैं जिनका जो मेजरमेंट है वो दोनों का क्या है, फाइव फाइव यूनिट है. तो ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आपका क्या कहलाता है, आइसोसेलस ट्राइंगल. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सबसे ईजी है और आई होप सबको पता भी होगा. तो एक बार हम देख लेते हैं, वट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी लेंथ क्या होती है, तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा. लाइक दिस, देखो, अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर इसकी साइड 5 है, दिस साइड इज ऑल्सो 5 एंड दिस साइड इज ऑल्सो 5, हेयर यू कैन सी ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, है ना. तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना मेजरमेंट का होता है, 60 डिग्री का होता है. सो दीज आर द ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन अवर साइड्स. नाउ वी विल डिस्कस ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. अब एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कैसे होते हैं, वी विल डिस्कस इट. ओके, सो लेट अस चेक वन बाय वन, वी विल सी. ऑलराइट, नाउ लेट अस चेक. नंबर वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. देखो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एक एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. एक ऐसा ट्राइंगल आपके पास होगा जिसका हर एक एंगल कितने से छोटा होगा, 90 डिग्री से. उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा. ओके, इस टाइप का ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज सिंपल, यू ऑल नो, ये तो आप जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है. ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, दैट इज नोन एज योर राइट एंगल ट्राइंगल. सिंपल, तो लेट अस चेक व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. कितना होना चाहिए, 90. यहाँ पे स्पेस कम है, यू हैव टू राइट इट इनसाइड द ट्राइंगल. दिस 90 शुड बी इनसाइड द ट्राइंगल. ओके, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाता है, तो सिंपल वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो हेयर द डेफिनेशन इज अ सिंपल डेफिनेशन. इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आपको दिखाई देता है, तो इस टाइप का जो ट्राइंगल है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑलराइट,
नाउ सी हेयर, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप इस एंगल को देखें लेस देन 90 है, इस एंगल को देखें लेस देन 90 है, लेकिन अगर आप इस एंगल को चेक करते हैं ना बेटा, तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये मोर देन क्या है, 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपको एक एंगल क्या मिल जाए ग्रेटर देन 90, तो इस टाइप का ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, scalene, isosceles and equilateral, triangles based on angle, acute angle, right angle and obtuse angle triangle. Now let us check what is next. Now very important, median of a triangle. What is median of a triangle? तो सबसे पहले हम इसका definition देख लेते हैं। ये बहुत important concept है और ये आपको ध्यान रखना है कि median क्या होता है। So let us find out here. लाइन सेगमेंट, एक सबसे पहली बात तो मीडियन क्या है आपका, एक लाइन सेगमेंट ही है, लाइन का एक पीस है या टुकड़ा है जो क्या करता है, जॉइनिंग अ वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने आपको बताया था जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मीट करती हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे यहाँ पर ये क्या है, वर्टेक्स है। अगर इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, कहाँ पर ज्वाइन करता है, टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो साइड बी सी है इसका एक मिड पॉइंट है डी, ठीक है, मिड मतलब एकदम बीचों बीच होगा एग्जैक्ट। इफ दिस इज 10 तो यहाँ पर एग्जैक्ट 5 पर एक क्या होगा, पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो इफ बी सी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है और डी इसका मिड पॉइंट है, तो अब देखिए इस मिड पॉइंट की जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कौन होगा, ओ सॉरी ए, क्योंकि डी के जस्ट अपोजिट साइड में है। तो अगर हम इस ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। व्हाट इज दिस, दिस इज योर मीडियन। समझ में आया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, या आप कह सकते हैं कि जब आप किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड में साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एक और चीज़ है जो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ वो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल आप ए से ही मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, आई कैन ड्रॉ मीडियन फ्रॉम द नेक्स्ट वर्टेक्स ऑल्सो, बी से भी मैं मीडियन ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज ई, अगर ई इसका क्या हो, ए सी का मिड पॉइंट हो, तब बी ई भी क्या कहलाएगा, मीडियन। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फ्रॉम ए, सॉरी सी, सी से भी आप क्या कर सकते हैं, मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं, कब, कंडीशन इज एफ आपका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का। तो समझ में आई बात, ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्राइंगल है तो बस हम यहीं से मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं, नो, वी कैन ड्रॉ मीडियन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जहाँ पर वो मीट कर रहा है वो मिड पॉइंट होना चाहिए उसकी अपोजिट साइड का। ऑल राइट, लाइक दिस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीडियन, आई होप इट इज क्लियर नाउ। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी शो किया है, और ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है बी सी का, और यहाँ पर जो है ए डी आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ऑल राइट, नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द अनदर वन इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ लेट अस चेक वट इज एल्टीट्यूड। नाउ हेयर इट इज रिटन परपेंडिकुलर ड्रॉन, the word we are using here is perpendicular, that is 90 degree, perpendicular drawn from any vertex, किसी भी vertex से जब आप एक perpendicular को draw करते हैं, that means आप एक सीधी straight line जो कि 90 degree बनाएगी उसके opposite side पे आप draw करते हो, तो वो triangle की क्या कहलाती है, altitude कहलाती है। like see here, let this point is D, यहाँ पर देखिए एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो जो ए वर्टेक्स है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है एग्जैक्ट स्ट्रेट, और यहाँ पर जो ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का है ना, तो एक लाइन ए डी इस तरीके से ड्रॉ की गई है, लाइन ए डी इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से
उसकी अपोजिट साइड पे बनता है और इस तरीके से बनता है कि वो परपेंडिकुलर है उस अपोजिट साइड के या उस पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ऑलराइट, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्टीट्यूड और मीडियन इन दोनों में है ना, तो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसकी ध्यान रखेंगे, जो मीडियन है वो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जा सकती है, इसी तरह एल्टीट्यूड भी किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जा सकती है। मीडियन क्या करती है, मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है, लेकिन एल्टीट्यूड क्या करती है, 90 डिग्री बनाती है आपके अपोजिट साइड पे। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, डिफरेंस इज द 90 डिग्री। ऑलराइट, एल्टीट्यूड में हमेशा 90 बनेगा, मीडियन के लिए ज़रूरी नहीं है। इज दैट क्लियर, हो भी सकता है ना। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस, सो इट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप नाउ क्लियर टू ऑल। परपेंडिकुलर, कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी वर्टेक्स से जब किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड पे बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन, आगे क्या है। नाउ इट्स योर टर्न, ओके, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एज यू ऑल नो। सो इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज राइट द सिक्स एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप अपने आप एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी और उसके जो सिक्स एलिमेंट हैं वो आप लिख के बताएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर टू यू कैन चेक। क्वेश्चन नंबर थ्री, लुक एट दिस फिगर एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड एंड एंगल। मैंने आपको अभी साइड और एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन बताया है, तो आपको यहाँ पर कुछ ट्राइंगल दिए हैं, इन ट्राइंगल्स में आपको क्लासीफाई करना है उनको साइड्स के बेसिस पे और उन्हीं को उनके एंगल्स के बेसिस पे। मैं आपको एक जस्ट एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। लाइक सी दिस वन, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5.2 5.2 5.2, तो ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी कैन से दैट जो फिगर हमने मैंने सर्कल में लिया है, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो लाइक दिस यू हैव टू क्लासीफाई, ओके। तो जो भी अगर पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है, अगर वो आपको समझ में आया है तो आप इसको इजिली क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको अभी करना है, देन यू हैव टू शेयर इट इन योर ऑनलाइन क्लास। So now, so these are the basic concepts of our exercise 6.1 and hope you all understand it. Now you have to do your try this, okay. Now just thank you for watching and do it right now and then send your answers, alright. So this is all about our today's concept.